एक सामान मंगाया था अमेज़न से जो कि बहुत जरूरी है राइडर के लिए। What's up people, this is Deepak Chhabra और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:15 सुबह। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय माता दी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीसी पंजाबी राइडर। राइडर आपका करता है स्वागत, खूब करता है सभी मित्रा, अच्छे होंगे सभी। यहाँ से निकल रहे हैं ढाबा से फ्री होके, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा हम आए थे इस ढाबे पे जो कि है थ्रोटल शॉटल से आगे, और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं भाई कोई गांव से में बना हुआ है कच्चे से में रोड से नीचे उतर कर, अभी तो ग्रुप के साथ चल रहे हैं और निकल के वापसी के लिए। और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, काफ़ी एंजॉय किया, बैठे हंसी मजाक हुआ, मज़ा आया और नेक्स्ट लेवल फील आ रही है भाई, मज़ा आ गया, कुल मिला के गजब का सीन रहा। तो जब तक ग्रुप के साथ चल रहे हैं, जब तक बिना गूगल बाबा के चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रेत का टीला सा, और साइकिलिस्ट भी आते हैं काफ़ी दूर दूर से, लोग आते हैं साइकिलिंग करते हुए, राइडर्स बहुत आते हैं यहाँ पे। और लोकेशन देख रहे हो, फोटोग्राफी वाली लोकेशन है, इसकी स्टोरी थोड़ी सी रील बना बना के डाल दूंगा कैसे हम जा रहे हैं। ओहो हो आतंक, और ऑफ रोडिंग का सही मजा लेता हुआ अंकुर, अंकुर भैया सही मजे ले रहे हो जिंदगी के, ऑफ रोडिंग का ले रहे हैं मजा, क्योंकि छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर तो पता ही नहीं लगते। अलग ही एंजॉयमेंट, अलग ही फील है, रोड देखो यार गजब की, मतलब ऐसे नज़ारे दिल्ली के अंदर कम ही देखने को मिलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मेन रोड पे, और वो देखो वो सड़क कैसे ऊपर जा रही है यार, जाती दफा नहीं देखी थी, वो सीधा मंदिर पे जा रही है और सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल मज़ा आ गया देख के यार, एक दिन उस पर भी चलेंगे, इस दिन स्पेशली आ जाएंगे। एक ही टोल पार कर लिया है मानेसर का, अब सीधा चल रहे हैं घर की तरफ, अभी तो ग्रुप के साथ चल रहे हैं, यहाँ ग्रुप भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो जाता है क्योंकि सबको अपने अपने घर मुड़ना होता है, इसलिए जहाँ ग्रुप छिन्न भिन्न होगा। क्या बात है, महंग भैया भी जोश में आ गए, जोश में बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। सही चल रहे हैं महंग भी, अभी 150 के लपेटे में चल रहे हैं, बहुत कम ऐसा चांस होता है जब महंग भैया के साथ कंपीट करने का मौका मिलता है आराम से चलने वाले आदमी हैं।
कुल मिला के सीन अब ऐसा है कि मजा आ गया आज दिन का। और वापसी पे आती दफा तो धूप इतनी लग नहीं रही थी, लेकिन वापसी पे अच्छी धूप है, खिली हुई धूप है, मजा आ रहा है। सर्दियों की धूप अलग होती है, जाती दफा रास्ता कोई और था, आती दफा कोई और है। जाती दफा टाइम ज्यादा लग गया था, आती दफा कम टाइम लगेगा। जाती दफा हमारा था वाया GFR, आती दफा हम वाया गुड़गावा आ रहे हैं। मेरे को ये रास्ता ज्यादा सही लगा वहाँ की बजाय, क्योंकि इस रास्ते पे ज्यादा खुला रास्ता है और रेड लाइटें, ब्रेकर वगैरह, ब्रेकर कम है। बेसिकली उस रूट पे थोड़ा रास्ता खराब भी था और ब्रेकर भी ज्यादा थे, खड्डे भी ज्यादा थे। और सीधा आप चलेंगे घर, पहले घर जाएंगे फिर शॉप पर जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया राइड पे, हंसी मजाक हुआ, एंजॉय हुआ। पराठा एक आता था, टूटते छः थे उस पर। और शाउट आउट भी नहीं दिया, शाउट आउट भी देना अभी ऑफिस पहुंच के देता हूँ बीच पे। और ये जा रही है अपने आगे XJL, क्या बात है, वन ऑफ माय ड्रीम का। कुल मिला के सीन अब ऐसा है कि हम दिल्ली में हो चुके हैं एंटर। आज का जो पहला शाउट आउट है वो है फैंटम बॉयज के नाम, और जो दूसरा शाउट आउट है वो है अमित आर्यन के नाम। थैंक यू सो मच फैंटम बॉयज एंड अमित आर्यन, आप लोगों ने इतना प्यारा कमेंट किया, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक किया। और गाइस, और शॉर्ट आउट पाने के लिए प्लीज मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, TC पंजाबी राइडर के नाम से है। चल रहा भैया एंजॉय करते हुए। एक्चुअली जाते हुए तो रोड्स खाली होती हैं, बट आते हुए इतना रश होता है कि बस फटाफट घर आ जाए और हम पहुंच जाए। 6.5 hours later. ये मैंने एक सामान मंगाया था Amazon से जो कि बहुत जरूरी है राइडर के लिए, तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मेरे पास कुछ था नहीं इसको खोलने का, ना सीजर ना कटर, तो इसको आज हाथ से खोलेंगे, देखते हैं इसमें क्या है। मतलब मुझे तो पता है क्या है, आपके लिए सरप्राइज है। और काफी एसेंशियल चीज है हर राइडर के लिए, हर व्लॉगर के लिए एसेंशियल चीज है। राइडर के लिए एसेंशियल है कि नहीं है डजंट मैटर, लेकिन हर व्लॉगर के लिए एसेंशियल चीज है। जो लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते हैं उनके लिए एसेंशियल चीज है। तो दिखाते हैं आपको क्या चीज मंगाई है मैंने। अभी तो फिलहाल हाथ से ही खोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ना तो सीजर है ना कटर है, तो कहाँ से खोले इसको। चलो ऐसे करते हैं। तो ये है एक बैग, एंटी थेफ्ट बैग है ये। इसके साथ तो एक रेन कवर भी है, शायद रेन कवर नहीं है कुछ और है, ये लैपटॉप जो आता है ना एप्पल का उसके लिए कवर है। सही है भाई, सही है। और क्या गिरा है नीचे, ये है इसका वारंटी कार्ड, इसकी वारंटी भी है। और बेसिकली लैपटॉप बैग है लेकिन इसे बैकपैक भी बना सकते हैं, और एंटी थेफ्ट है। एक माइक कवर भी है छोटा सा जो कि बहुत अच्छा है। और ये है एंटी थेफ्ट बैग, तो इसकी जिप है पीछे। तो जी ये लो, इसकी जिप पीछे होती है क्योंकि कोई इसमें सामान चुरा ना सके। तो एक बार इसको खोल के देख लेते हैं कैसे खुलेगा ये। लो जी लो, खुल गया जी, खुल गया माशाल्लाह। अरे वाह क्या बात है, इसमें चार्जिंग पॉट भी है ये रहा, और चार्जिंग केबल भी दी है। काफ़ी अच्छा बैग है यार, मज़ा आ गया। और लैपटॉप के लिए स्पेस है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, पॉकेट बहुत सारी है इसमें। ये देखिए दो पॉकेट तो इसमें आए, एक लैपटॉप के लिए और एक कुछ और उसका चार्जर वगैरह रखने के लिए। और इधर भी पॉकेट्स हैं, दो पॉकेट यहाँ है, एक ये जिप है इसके अंदर छोटी सी पॉकेट है, एक यहाँ एक पॉकेट है। और काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन किया हुआ है इसमें, स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बैग। और ये मुझे पड़ा सिर्फ 999 में अमेज़ॉन से। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी को लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो चीज़ आपको लेनी हो आप वो इजीली परचेज कर सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू, ठीक है। कुछ हमारा भी बन जाएगा यार, ठीक है। ओके सी यू। जुड़े जमीन से आसमां पे रखे पैर, पहले तेरी मेहनत फिर होती रब दी मेहर।